कोई सर्दी से बचाव के लिए एक स्वेटर देकर और थोड़ी सी दुखों का बदावा करने की कोशिश कर रहे हैं जी। जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम ये दे रहे हैं यार मददगार की तरफ। मैं तो कहता हूँ कि और भी दूसरे शहरों में भी इस तरह होने चाहिए, कैंप लगने चाहिए ताकि गरीब आवाम का भला हो सके। मजीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PHA वासा और गुजरांवाला कॉर्पोरेशन के दर्जा तहारम के वो मुलाजमीन जो हमारे गली कूचों को साफ रखते हैं, जो हमारी बहुत सारी और चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उन मुलाजमीन के लिए आज यार मददगार की जानिब से यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। उनसे इजहार मोहब्बत के लिए उनको गर्म कपड़े और फूल पेश किए जा रहे हैं। हम इसका हाल खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, हमारे साथ चल। जी बात साहब, इंसिडेंट का मकसद क्या है और ये जो मजदूर हैं इनको हौसला अफजाई के लिए कैंप का इनेकाद किया गया, आप इस हवाले से क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आज हम यार मददगार की इस फंक्शन में हम जमा हैं जिसमें हम अपने जो मजदूर तबका है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो सफाई वाले हैं, जो बाकी महकमों के जो हमें इस माशरे को, इस हमारे इस माहौल को साफ सुथरा रखने में मददगार हैं और जिनको कोई भी हमारे आम तौर पर निगलेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद यह है कि उनको एक इज्जत दी जाए, एक तकरीम दी जाए, उनको एक रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको इस बात का फ़ख्र दिया जाए कि वो इस माशरे का एक निगलेक्टेड एक किरदार नहीं है बल्कि वो हमारे एक माशरे का एक लाजमी जुज़ है। और चूंकि ये अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़ाहिर के वो कम आमदनी वाले हजरात होते हैं तो उनकी किसी ना किसी हद तक हम उनकी अश्कुशोई कर सकें और उनको इस सर्दी से बचाव के लिए एक स्वेटर देकर उनको हम उनकी थोड़ी सी दुखों का बदावा करने की कोशिश कर रहे हैं जी। अल्लाह ताला हमें और हमारे सारे साथियों को इसमें कामयाब करे और मजीद भी ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरकारी मुलाजिम है? जी सर। किस महकमे में? वासा में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज का ये जो इवेंट है आपको कैसा महसूस हो रहा है? वो फूल भी दे रहे हैं, गर्म कपड़े दे रहे हैं और इसके अलावा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह के इवेंट के बारे में आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए? ये हर साल होना चाहिए। ठीक है, हमारे लोगों के लिए अच्छा है, उनकी मदद है। ठीक है, ये ज़रूरी होना चाहिए सारा जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आज के इस कैंप के बारे में क्या कहना है आपका, क्या मकसद था इसका, इस इवेंट के बारे में आपका क्या कहना है? इसका सबसे पहले इसका मकसद तो ये है कि ये गरीबों में जो स्वेटर हम बांट रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ठंड आ गई है, ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं उनको ये तकसीम कर रहे हैं। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी से? जी। तो आप यार मददगार के साथ मिल के ये प्रोग्राम कर रहे हैं? जी। तो इस प्रोग्राम के हवाले से क्या समझते हैं, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? जी, मैं तो कहता हूं कि और भी तरह और भी दूसरे शहरों में भी इस तरह होने चाहिए, कैंप लगने चाहिए ताकि गरीब आवाम का भला हो सके। जी बहुत शुक्रिया। इसका ये मकसद है कि जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम ये दे रहे हैं यार मददगार की तरफ से। हम लोग गिफ्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमें ये मौका दिया है, फ्राहम किया है कि हम लोग गरीबों की मदद कर सकें। हम अस्सलाम वालेकुम, हम गिफ्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू यार मददगार के NGO गए हैं और वहाँ से हम उनके थ्रू जो है ना वो बच्चों में और या बड़ों में तकसीम कर रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये उनका हक है और उनके हक तक पहुँचा रहे हैं हम। ये इनकी तरह से मतलब हौसला अफजाई बहुत बड़ी है कि हर कोई ये इस तरह नहीं करता है जैसे ये NGO कर रही है यार मददगार, और ये उनके भी पीछे हमारी गिफ्ट यूनिवर्सिटी का हाथ है और उन्होंने हमें मौका दिया, इनके पास हम आए हैं और इन्होंने हमें ये काम करने की और इनकी हौसला अफजाई करने की हमें दी हुई है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मजदूरों के लिए कुछ भी खास नहीं होता सवाए इस चीज़ के कि उन्हें मोहब्बत दी जाए। उन्हें दी जाने वाली मोहब्बत ही उनके लिए सबसे खास होती है। यार मददगार के ज़ेरे एहतमाम और गिफ्ट यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है जिसमें मजदूरों को गर्म स्वेटर और फूल पेश किए जा रहे हैं। मजदूरों से मोहब्बत कीजिए, मजदूर हमारे मददगार होते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासिन को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।